हाँ, सभी विद्यार्थी जो है वो उपस्थित हो जाएं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्तियां, प्रवाल भित्ति। टॉपिक का नाम है प्रवाल भित्ति, जिसे इंग्लिश में कोरल रीफ्स कहा जाता है। हाँ, सभी विद्यार्थी उपस्थित हो जाएं। कोरल रीफ्स, या जिसको हम इंग्लिश में प्रवाल भित्तियां कहते हैं, यूनिट 3rd का टॉपिक है, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। और ये जो टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रवाल भित्तियां। तो स्टूडेंट, हाँ, उपस्थित हो गए सभी। प्रवाल भित्तियों का अर्थ क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रवाल भित्तियां जो है वो होती क्या है। देखिए, जो सिलेंट्रेंटा के जीव है, सिलेंट्रेंटा, सिलेंट्रेंटा को कहा जाता है निडेरियंस, निडेरियंस। सिलेंट्रेंटा के जीवों को निडेरियंस भी कहा जाता है, ठीक है। और बच्चों, इन जीवों का जो कंकाल होता है, बाह्य कंकाल, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनका बाह्य कंकाल जो होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और ये दो स्टेज में पाए जाते हैं अपने जीवन में, ये दो स्टेज के अंदर पाए जाते हैं। नंबर 1 पॉलिप और नंबर 2 मेड्यूसा। अपने जीवन के अंदर जो सिलेंट्रेंटा के जो जीव है वो पॉलिप और मेड्यूसा दो रूपों में पाए जाते हैं, ठीक है प्रियंका। हाँ, तो जो सिलेंट्रेंटा जीवों का पॉलिप रूप है, सिलेंट्रेंटा जीवों का जो पॉलिप रूप है, वो क्या करते हैं? समुद्र की गहराई में, समुद्र की गहराई में, देखिए, अपने शब्द को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवाल भित्ति का अर्थ क्या होता है वो अर्थ क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूं कि सिलेंट्रेंटा के जीवों को निडेरियंस भी कहा जाता है, और सिलेंट्रेंटा के जीवों को बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। और इनके जीवन के अंदर दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, एक पॉलिप और दूसरी होती है मेड्यूसा। अब मैं बात कर रही हूँ केवल और केवल इसके पॉलिप ग्रुप की, ठीक है। पॉलिप ग्रुप क्या करते हैं? समुद्र की गहराई में जाकर कैल्शियम कार्बोनेट का टीला, ढेर या चट्टान बनाते हैं, ठीक है। और उसको क्या कहा जाता है? कोरल रीफ्स कहा जाता है। उसको कोरल रीफ्स कहा जाता है, या फिर प्रवाल भित्तियां कहा जाता है। अर्थात प्रवाल भित्तियां क्या है? अर्थात प्रवाल भित्तियां कोरल, कोरल जो होते हैं इसको सिलेंट्रेंटा के जीवों को ही कोरल कहा जाता है, ठीक है। अर्थात कोरल पॉलिप के द्वारा निर्मित समुद्र के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का टीला, ढेर या चट्टान क्या कहलाता है? प्रवाल भित्ति कहलाता है, ठीक है। तो अपना रजिस्टर ओपन कीजिएगा और साथ साथ में लिखिएगा जो बात मैं लिखवाना चाहती हूँ आपको, प्रवाल भित्तियों के बारे में, ठीक है। हेडिंग लगाइए प्रवाल भित्ति और उनके बारे में लिखिए। हाँ, प्रवाल भित्ति चूने का टीला या ढेर होता है। प्रवाल भित्ति चूने का टीला या ढेर होता है। प्रवाल भित्ति चूने का टीला या ढेर होता है, जो कि चूने का टीला या ढेर होता है, जो कि कोरल पॉलिप, जो कि कोरल पॉलिप से, जो कि कोरल पॉलिप से समुद्री तट के समीप या समुद्र की गहराई में, समुद्री तट के समीप या समुद्र की गहराई में बना हुआ पाया जाता है। समुद्री तट की गहराई में बना हुआ पाया जाता है। सामान्य भाषा में बात करूं तो मैं कोरल पॉलिप के द्वारा समुद्र की गहराई में बना चूने का टीला
या ढेर प्रवाल भित्ति कहलाता है। कोरल पॉलिप के द्वारा समुद्र की गहराई में बना चूने का टीला या ढेर क्या कहलाता है? प्रवाल भित्ति कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कोरल रीफ्स का निर्माण। देखो क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि कोरल रीफ्स का निर्माण किस संघ के जीवों के द्वारा होता है, तो लिखिए इसमें कोरल रीफ्स का निर्माण निडेरिया संघ या सिलेंट्रेंटा संघ के जीवों से होता है। देखिए सिलेंट्रेंटा को ही निडेरिया कहा जाता है। कोरल रीफ्स का निर्माण सिलेंट्रेंटा संघ या निडेरिया संघ के जीवों के द्वारा होता है। ठीक है, इस बात को लिख लीजिए आप। हाँ, ये यूनिट थर्ड का टॉपिक है, बीएससी फर्स्ट ईयर की यूनिट थर्ड का टॉपिक है, कोरल रीफ्स या प्रवाल भित्ति। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए फिर आप। प्रवाल भित्ति को सर्वप्रथम 1917 में वैग हैन ने परिभाषित किया, यानी कि इसकी परिभाषा जो है 1917 में सर्वप्रथम वैग हैन ने दी और बताया कि कोरल पॉलिप के द्वारा समुद्र की गहराई में कैल्शियम कार्बोनेट का ढेर बनाया जाता है जो क्या कहलाता है? कोरल रीफ्स कहलाता है या प्रवाल भित्ति कहलाता है। ठीक है, तो ये लाइन लिख लीजिए, 1917 में वैग हैन ने सर्वप्रथम प्रवाल भित्ति को परिभाषित किया। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट देखिए अभी। अब सामान्य तौर पर आप इतनी बात तो समझ गए होंगे कि प्रवाल भित्ति का निर्माण पॉलिप जीवों के द्वारा होता है। पॉलिप जो होता है वो सिलेंट्रेंटा के जीव होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अकेला जैसे मान लीजिए कोई सिलेंट्रेंटा का जीव मर गया। ठीक है, वो मरने के बाद में समुद्री गहराई में चला गया। ठीक है, और आपको पता है जीव के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का मजबूत कवच पाया जाता है। ठीक है, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगी? वहां एक जमाव बनाने लगेगी। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करने लगेगी? वहां एक जमाव बनाने लगेगी और उस जमाव के ऊपर नए जीव विकसित होने लगेंगे। उस जमाव के ऊपर क्या आएगा? नया जीवन जो है जीवों का विकसित होने लगेगा। तो इस प्रकार से प्रवाल भित्तियों का निर्माण समुद्र की गहराई में या समुद्र तट के समीप होता है। ठीक है, अब क्या है कि भाई प्रवाल जो होते हैं वो प्रवाल एकल नहीं रहते जब प्रवाल भित्तियों का निर्माण करते हैं। इसको सहायता करते हैं एक शैवाल। कौन सहायता करते हैं? एक शैवाल सहायता करते हैं, उस शैवाल को कहा जाता है जूजेंथली शैवाल। ठीक है, शैवाल यानी कि एल्गी। जूजेंथली नाम का एक शैवाल है, उसके साथ जूजेंथली नाम के शैवाल के साथ जो पॉलिप जीव होते हैं या सिलेंट्रेंटा के जीव कह सकती हूं मैं, वो क्या करते हैं? सहसंबंध बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं सहसंबंध वो सुनिएगा। सहसंबंध इनको बनाने की जरूरत है वो क्यों पड़ी? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि इनको क्या बनानी है? प्रवाल भित्ति बनानी है। अब जब प्रवाल भित्ति बनानी है तो इनको क्या चाहिएगा? कैल्शियम कार्बोनेट चाहिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए इनको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कार्बन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, किसको? जीवों को, पॉलिप जीवों को, या फिर कह सकते हैं सिलेंट्रेंटा के जीवों को प्रवाल भित्तियां बनाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी कार्बन की। अब वो कार्बन इसको कहां से मिलेगा? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण ये खुद कर नहीं सकता, तो ये सहसंबंध बनाएगा जूजेंथली शैवालों से। जूजेंथली शैवालों से क्या करेगा? सहसंबंध बनाएगा, तब ये जूजेंथली शैवाल क्या करेंगे? इसको कार्बन प्रदान करेंगे। इसको क्या करेंगे? कार्बन देंगे, जिससे ये क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और
ये फिर बदले में क्या देगा जू जैंथली शैवाल को, ये सुरक्षा देगा। आपको पता है कि ये मजबूत होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इनके ऊपर बन गई है, तो ये क्या करेंगे, ये इसको क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये जू जैंथली शैवाल को क्या करेंगे, सुरक्षा देंगे, सुरक्षात्मक आवरण देंगे। यानी कि मैं बात करूं प्रवाल भित्तियों के निर्माण में जो सहायक फैक्टर है उनकी, तो एक तो जो सह संबंध रहता है वो सबसे जरूरी है, किसके साथ, एक तो कोरल पॉलिप प्लस जू जैंथली शैवाल, जू जैंथली शैवाल, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में सह संबंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सह संबंध बनाते हैं, जिसके द्वारा आगे फिर कोरल रीफ्स का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेंगे, देखिए ये इसको कार्बन दे देंगे ताकि ये कैल्शियम कार्बोनेट बना ले, ताकि ये क्या बना ले, कैल्शियम कार्बोनेट बना ले। और ये पॉलिप वाले इसको क्या दे देंगे, ये इसको दे देंगे सुरक्षा, इसके ऊपर रहकर इसको सुरक्षा प्रदान कर देंगे। और इस प्रकार का सह संबंध जो होता है वो सहायक होता है किसके निर्माण में, कोरल रीफ्स के निर्माण में। चलिए फिर लिखिए इस बात को, लिखिए कोरल रीफ्स निर्माण में, कोरल रीफ्स निर्माण में कोई दिक्कत नहीं है, सही सुनाई दे रहा है, सही समझ में आ रहा है, तो लिखिए इसमें कोरल रीफ्स निर्माण में कोरल पॉलिप तथा जू जैंथली नामक शैवालों के साथ, कोरल रीफ्स व जू जैंथली नामक शैवालों के साथ एक विशेष सह संबंध पाया जाता है, एक विशेष सह संबंध पाया जाता है कोरल पॉलिप तथा जू जैंथली शैवालों के मध्य, एक विशेष सह संबंध पाया जाता है। इस सह संबंध में, इस सह संबंध में जू जैंथली शैवाल, इस सह संबंध में जू जैंथली शैवाल कोरल पॉलिप को, जू जैंथली शैवाल कोरल पॉलिप को, जू जैंथली शैवाल कोरल पॉलिप को कार्बन देते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, शैवाल है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसको क्या देते हैं, कार्बन देते हैं। तो लिखिए जू जैंथली शैवाल कोरल पॉलिप को कार्बन देते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण में सहायक होता है। कार्बन देते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण में सहायक होता है तथा कोरल पॉलिप जीव जू जैंथली शैवालों को, तथा कोरल पॉलिप जीव जू जैंथली शैवालों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, इन दोनों का सहसंबंध इस प्रकार हो गया कि एक कार्बन दे रहा है तो दूसरा क्या दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट लिखिए फिर, इसने इसको कार्बन दे दिया, इसने इसको सुरक्षा दे दिया, नेक्स्ट लिखिए फिर। क्या जरूरत होगी कंडीशंस की जिसके अंदर कि कोरल रीफ्स का निर्माण हो जाए। आप समझ गए कि प्रवाल भित्तियां वो होती है जो क्या करती है, एक समुद्री तट के किनारे कैल्शियम कार्बोनेट का स्पोर्ट बनाती है, एक टीला या ढेर बनाती है, चट्टान बनाती है, वो चीजें क्या है, कोरल रीफ्स है, ये प्रवाल भित्तियां। अब इसके लिए सुटेबल कंडीशन क्या होगी, क्या जरूरत होगी, वातावरण कैसा चाहिएगा, क्या सिस्टम होगा, या आवश्यक घटक क्या होंगे, या क्या चीजें हैं वो नेसेसरी होगी, तो लिखिए इसके बारे में। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए सुटेबल कंडीशन या वातावरणीय घटक या आवश्यक फैक्टर लिख लीजिए, आवश्यक फैक्टर भी लिख सकते हो आप, आवश्यक कारक, क्या क्या कारक है जो नेसेसरी है कोरल रीफ्स के निर्माण के लिए, हेडिंग लगा लीजिए आवश्यक कारक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी शैवाल, ये जो कोरल रीफ्स है, प्रवाल भित्तियां बनती है, तो ये हमेशा गर्म वातावरण में बनती है, गर्म
जलवायु, गर्म जलवायु में बनती है। अब गर्म जलवायु, दूसरी बात कि हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो पॉलिप जीव है सिलेंट्रेटा के, वो कहाँ रहते हैं? समुद्र में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। और समुद्र का पानी कैसा होता है? लवणीय होता है, साल्टी होता है। तो हमेशा कोरल रीफ जो होती है वो सॉल्टी वाटर में बनेगी, लवणीय जल में बनेगी। बनती कहाँ है? वाटर में बनती है। ठीक है, तो लिखिए इस बात को कि आवश्यक कारक के अंदर लिखिए, प्रवाल भित्तियों का निर्माण गर्म पानी, प्रवाल भित्तियों का निर्माण गर्म पानी वाले समुद्र में होता है, गर्म पानी वाले समुद्र में होता है। और आवश्यक टेम्परेचर जो है वो 27 से 30 डिग्री जो होता है, इसका बेस्ट टेम्परेचर होता है। 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है बेस्ट टेम्परेचर होता है, जिस पे कोरल रीफ्स का निर्माण सर्वाधिक होता है। तो लिख लीजिए इस बात को कि फेवरल कंडीशन है कि गर्म पानी वाले समुद्र में इसका निर्माण होता है। दूसरा, उपयुक्त तापमान 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, जिस पर कोरल सर्वाधिक वृद्धि करते हैं। 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोरल सर्वाधिक वृद्धि करते हैं। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं, जहां पर क्या होता है, पानी का उफान आता है, पानी का उफान आएगा या पानी ठंडा होएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इधर से पानी आ रहा है, लहरें आपस में टकरा रही है और एक उफान पैदा हो रहा है, उस उफान के अंदर कभी भी कोरल रीफ्स का निर्माण नहीं होएगा, कोरल रीफ का निर्माण नहीं होएगा, उफान वाले क्षेत्र में कभी नहीं होता। ठीक है, तो लिख लीजिए, समुद्री उफान वाले जल में, समुद्री उफान वाले जल में कोरल रीफ का निर्माण कभी नहीं होता। प्रवाल भित्तियों का निर्माण समुद्री उफान वाले क्षेत्रों में कभी नहीं होता। नेक्स्ट बात को लिख लेना, समुद्री उफान वाले क्षेत्रों में कोरल रीफ्स का निर्माण नहीं होता। दूसरी, अगर मैं गहराई की बात करूं, कितनी गहराई में कोरल रीफ्स का निर्माण होता है, गहराई की बात करें तो 180 फीट तक गहरी कोरल रीफ्स पाई जा सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लीजिए, अप्रोक्सीमेट 180 फीट गहराई, लगभग 180 फीट गहराई तक कोरल रीफ्स का निर्माण हो सकता है। 180 फीट गहराई तक कोरल रीफ्स का निर्माण हो सकता है, 180 फीट की गहराई तक कोरल रीफ्स का निर्माण हो सकता है। ठीक है, पानी के उफान वाला क्षेत्र लिख लिया, पानी के उफान वाले क्षेत्र में कभी भी कोरल रीफ्स का निर्माण नहीं होता। दूसरी बात सुनिएगा कि सेडिमेंट्स जहां ज्यादा होंगे, सेडिमेंट्स की बात करूं तो यानी कि जिस पानी में गाद ज्यादा होगी, गाद मतलब गंदा पानी जो ज्यादा होगा, जिसके अंदर गाद ज्यादा होगी, जिस पानी के अंदर, उसके अंदर कोरल रीफ्स कभी नहीं बनते, लवणीय जल में बनते हैं, गाद वाले वाटर में नहीं बनते। तो नेक्स्ट बात को लिख लीजिए, जिस पानी में गाद ज्यादा होती है, सेडिमेंट्स ज्यादा होते हैं, उसमें कोरल रीफ्स कभी नहीं बनती। जिस पानी में गाद ज्यादा होती है उसके अंदर कोरल रीफ्स कभी नहीं बनती, जिस पानी में गाद ज्यादा होती है वहां कोरल रीफ्स कभी नहीं बनती। नेक्स्ट लिखिए आप बात को, देखिए ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, लिखिए आप नेक्स्ट बात को, उष्ण कटिबंधीय या गर्म जलवायु में, उष्ण कटिबंधीय या गर्म जलवायु में कोरल रीफ्स का निर्माण होता है। उष्ण कटिबंधीय या गर्म जलवायु में कोरल रीफ्स का निर्माण होता है, उष्ण कटिबंधीय या गर्म जलवायु में कोरल रीफ्स का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए फिर आप, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में ग्रेट बैरियर रीफ
जो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी, ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी कोरल रीफ्स है, सबसे बड़ी कोरल रीफ्स है, प्रवाल भित्ति है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, सबसे बड़ी है, ठीक है? रोदी प्रवाल भित्ति कह सकते हैं इसको आप, डायरेक्ट इतना लिख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ठीक है? नेक्स्ट लिखिए फिर आप, पश्चिमी द्वीपों वाले क्षेत्र में, पश्चिमी द्वीपों वाले भागों में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। पश्चिमी द्वीपों वाले क्षेत्र में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, ठीक है? तो हम सामान्य सी बात अगर करें तो प्रवाल भित्तियों के बारे में हम इतना जान गए कि प्रवाल भित्तियां होती क्या है और प्रवाल भित्तियां कहाँ पाई जाती है। देखिए प्रवाल भित्ति क्या जाना हमने, प्रवाल भित्ति सिलेंट डेल्टा के जीवों, सिलेंट डेल्टा के जीवों से बनने वाला कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी कि चूने का ढेर या टीला है जो समुद्र के किनारे या समुद्र की गहराई में बनता है। और इसके लिए जो आवश्यक शैवाल होता है वो कौन सा होता है? जूजेंथली शैवाल। जू जेंथली शैवाल जो होता है वो क्या होता है? आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओगे प्रवाल भित्तियों के प्रकार, कितने प्रकार की प्रवाल भित्तियां जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट हेडिंग लगाना प्रवाल भित्तियों के प्रकार, प्रवाल भित्ति के प्रकार। और देखिए तीन तरह की प्रवाल भित्तियां जो है वो मौजूद रहती है, पाई जाती है विश्व में। जो प्रवाल भित्तियां पाई जाती है उनको तीन प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार जो है वो है झालरदार प्रवाल भित्ति, झालरदार प्रवाल भित्ति। पहली प्रवाल भित्ति है वो है झालरदार प्रवाल भित्ति, या इसको कह सकते हैं अपने फ्रिंजिंग प्रवाल भित्ति, फ्रिंजिंग कोरल रिफ्स, ठीक है? पहली प्रवाल भित्ति है। दूसरा प्रकार आपने देखे तो वो है रोधी प्रवाल भित्ति, रोधी प्रवाल भित्ति। पहला प्रकार है झालरदार प्रवाल भित्ति और दूसरा प्रकार है रोधी प्रवाल भित्ति। रोधी का मतलब बैरियर, ठीक है? बैरियर प्रवाल भित्ति, बैरियर कोरल रिफ्स, ठीक है? तीसरी प्रवाल भित्ति की बात करूं तो वो है एटोल प्रवाल भित्ति, या एटोल, ठीक है? ऐसे लिख लीजिए। तीसरी प्रवाल भित्ति कौन सी है? एटोल प्रवाल भित्ति। इस तरह करके तीन प्रकार की प्रवाल भित्तियां जो होती है वो संपूर्ण विश्व में मौजूद रहती है। पहली है झालरदार या फ्रिंजिंग, दूसरी है रोधी जिसको बैरियर कहा जाता है, तीसरी जो है एटोल। अभी जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिखाया था ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, यहां बैरियर नाम आ रहा है ना, तो बैरियर का मतलब क्या होता है? रोध उत्पन्न करने वाला अवरोधक। तो वो किस प्रकार की प्रवाल भित्ति है? रोधी प्रवाल भित्ति है, ठीक है? ग्रेट बैरियर रीफ जो कहां पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे झालरदार प्रवाल भित्ति, नंबर एक हेडिंग लगाइए झालरदार प्रवाल भित्ति या फ्रिंजिंग कोरल रिफ्स, ठीक है? झालरदार प्रवाल भित्ति। देखिए जो झालरदार प्रवाल भित्ति होती है ना उसका एक अन्य नाम भी है जिसे तटीय प्रवाल भित्ति भी कहा जाता है। देखिए
झालरदार प्रवाल भित्ति को तटीय प्रवाल भित्ति भी कहा जाता है। झालरदार प्रवाल भित्ति को तटीय प्रवाल भित्ति भी कहा जाता है। झालरदार प्रवाल भित्ति को तटीय प्रवाल भित्ति भी कहा जाता है। देखो तटीय क्यों कहा, देखिए समुद्र के किनारे पर बनती है, तट पर बनती है, इस कारण इसको क्या कहा है, झालरदार या तटीय प्रवाल भित्ति भी कहा जाता है। जिस प्रकार किसी चीज के झालर किनारों पर लगाई जाती है, उसी प्रकार ये समुद्र के किनारों पर लगती है, इस कारण इसको तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है। लिख लीजिए इस बात को, यह प्रवाल भित्ति, सॉरी समुद्र बोला क्या मैंने, महाद्वीप, ठीक है, यह प्रवाल भित्ति महाद्वीप के तट के पास, यह प्रवाल भित्ति महाद्वीप के तट के पास, महाद्वीप के तट के पास प्लेटफॉर्म के रूप में बनती है, प्लेटफॉर्म के रूप में बनती है, महाद्वीप के तट के पास प्लेटफॉर्म के रूप में बनती है। ठीक है, नेक्स्ट बात लिखिए, झालरदार प्रवाल भित्ति व द्वीप के मध्य, ठीक है, ये जो महाद्वीप है इसके किनारे जहां पर ये प्लेटफॉर्म बनेगा उसके बीच में 400 मीटर तक की दूरी हो सकती है। नेक्स्ट बात लिख लीजिए, द्वीप व झालरदार प्रवाल भित्ति के बीच 400 मीटर, द्वीप व झालरदार प्रवाल भित्ति के मध्य 400 मीटर की दूरी हो सकती है, 400 मीटर की दूरी हो सकती है, महाद्वीप और प्लेटफॉर्म के बीच में जो दूरी है वो 400 मीटर की हो सकती है। हाँ भी स्वागत है भाई। नेक्स्ट लिखिए, ये प्रवाल भित्ति कभी कभी, ये प्रवाल भित्ति कभी कभी बीस या तीस फैदम, गहराई फैदम में नापी जाती है ना, तीस या फैदोमीटर के द्वारा नापते हैं ना, कभी कभी ये प्रवाल भित्ति बीस या तीस, कभी कभी यह प्रवाल भित्ति बीस या तीस फैदम गहरे जल के संकरे मार्ग बनाती है, यानी कि जल के अंदर गहराई में जाकर मार्ग बना लेती है पतले पतले, ठीक है, 20 या 30 फैदम गहराई में जाकर पतले मार्ग बनाती है जिसे लैगून कहा जाता है, जिसे लैगून कहा जाता है, ठीक है ना, जिसे लैगून कहा जाता है। लैगून क्या होता है, लैगून जो मार्ग बनते हैं प्रवाल भित्तियों के द्वारा उन्हें लैगून कहा जाता है, जिन्हें लैगून कहा जाता है, जिन्हें लैगून कहा जाता है। पहली प्रवाल भित्ति पढ़ी हमने, कौन सी, झालरदार प्रवाल भित्ति, जो क्या होती है, महाद्वीप के तट से लगी हुई होती है, महाद्वीप के किनारों पर बनती है, इस कारण इसको तटीय प्रवाल भित्ति या फिर क्या कहा जाता है, झालरदार प्रवाल भित्ति कहा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, रोधी प्रवाल भित्ति, दूसरी हेडिंग लगाइए रोधी प्रवाल भित्ति या बैरियर कोरल रीफ्स, रोधी प्रवाल भित्ति, बैरियर कोरल रीफ्स, रोधी प्रवाल भित्ति, और इसमें लिखिए देखिए ये सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति है, सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति है। देखिये यह सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति है, यह सबसे बड़ी व सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट लिखिए, देखिए है तो ये बिल्कुल उसके समान है, किसके,
जो पहले हमने प्रवाल भित्ति बनाई थी जालरदार उसके समान ही है, जालरदार के समान ही है, लेकिन अंतर क्या आ गया इसमें? है ये जालरदार प्रवाल भित्ति के समान ही, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत अंतर है। देखिए अंतर क्या है, जैसे यहां द्वीप है और ये समुन्द्र है, ठीक है, ये सारा क्या है, समुन्द्र है, ठीक है, द्वीप के चारों ओर जो है वो समुन्द्र है। अब मैं बात करूं इसके चारों ओर कुछ दूरी, यहां कुछ दूरी छोड़कर, ये इतनी दूरी मान लीजिए इसने छोड़ दी, और ये दूरी छोड़कर और इससे चारों ओर यहां, यहां प्रवाल भित्ति बन रही है, तो वो प्रवाल भित्ति क्या है, बैरियर प्रवाल भित्ति है। वो प्रवाल भित्ति क्या है, हाँ गुड आफ्टरनून समीर खान, तो वो प्रवाल भित्ति क्या है, बैरियर प्रवाल भित्ति। मैं सीधी सी भाषा में अगर कहूं कि द्वीप से कुछ दूरी पर बनने वाली प्रवाल भित्ति बैरियर प्रवाल भित्ति है, जो समुद्र के ओर से आने वाली, अब देखिए समुद्र से यहां से जो धारा आ रही है बहुत तेज से, जो करंट आ रहा है उससे इस द्वीप को बचाती है, ये द्वीप है, ठीक है, इस द्वीप को समुद्र की तरफ से आने वाली धाराओं से बचाती है, एक बैरियर का काम करती है, एक अवरोधक का काम करती है, वो प्रवाल भित्ति क्या कहलाती है, बैरियर प्रवाल भित्ति कहलाती है। दोबारा सुनिएगा कि देखिए द्वीप से समुद्र के बीच में बनने वाली प्रवाल भित्ति, ठीक है, द्वीप से समुद्र के बीच में बनने वाली प्रवाल भित्ति जो समुद्र के द्वीप से कुछ दूरी पर होती है, एक तो जो द्वीप के किनारों पर बन जाएगी तो वो तो जालरदार होगी, और कुछ दूरी पर बनेगी तो वो कौन सी होगी, बैरियर होगी, जो समुद्र की ओर से आने वाली तेज धाराओं से बचाती है द्वीप को। चलिए तो इस बात को लिखिए, यह प्रवाल भित्ति झालरदार प्रवाल भित्ति के समान ही होती है, यह प्रवाल भित्ति झालरदार प्रवाल भित्ति के समान ही होती है, यह प्रवाल भित्ति झालरदार प्रवाल भित्ति के समान ही होती है, लेकिन यह द्वीप से कुछ दूरी पर बनती है, लेकिन यह द्वीप से कुछ दूरी पर बनती है, लेकिन यह द्वीप से कुछ दूरी पर बनती है, कौन सी प्रवाल भित्ति भाई, रोधी प्रवाल भित्ति, लेकिन यह द्वीप से कुछ दूरी पर बनती है। नेक्स्ट लिखना, यह प्रवाल भित्ति इतना साइज ग्रहण करती है, जहां पर एक बड़ा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि जीव जंतु। देखिए कोरल रीफ्स का जो महत्व है वो क्या है कि कोरल रीफ्स क्या करती है, एक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है, जल के अंदर बड़ा इकोसिस्टम बनाती है, यानी बहुत सारे जीव यहां पनप सकते हैं, ठीक है ना, एक बड़ा इकोसिस्टम बनाती है, तो यह है इतनी बड़ी है कि एक बड़ा इकोसिस्टम का निर्माण करती है, ठीक है, इस बात को लिख लिया आपने। नेक्स्ट लिखिए फिर, अब देखिए इसके अंदर भी जल के गहरे लैगून बनेंगे, लैगून का मतलब इस प्रवाल भित्ति के द्वारा कुछ संकरे मार्ग जो बनाए गए हैं जल के अंदर वो लैगून कहलाते हैं, और वो लैगून इतने चौड़े होते हैं कि यहां पर जल यान चल सकते हैं, क्या चल सकते हैं, जल यान चल सकते हैं। तो लिख लीजिए इस बात को कि रोधी प्रवाल भित्ति के द्वारा बनाए जाने वाले रोधी प्रवाल भित्ति के द्वारा बनाए जाने वाले लैगून रोधी प्रवाल भित्ति के द्वारा बनाए जाने वाले लैगून काफी चौड़े होते हैं, जहां पर आसानी से जलयान चल सकते हैं, जहां पर आसानी से जलयान चल सकते हैं, जहां पर आसानी से जलयान चल सकते हैं। नेक्स्ट लिखना आप, संसार की सर्व प्रसिद्ध,
संसार की सर्व प्रसिद्ध रोदी परवाल बीती संसार की सर्व प्रसिद्ध रोदी परवाल बीती ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के साथ 2000 किलोमीटर तक फैली हुई है, 2000 किलोमीटर तक फैली हुई है, 2000 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब देखिए तट से कितनी दूरी पर है, तट से कितनी दूरी पर है, मेरी बात समझ रहे हो कि रोदी प्रवाल बीति कैसी है। देखो तीन शब्द समझ लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो बात करें हम प्रवाल बीति, और एक है महाद्वीप या द्वीप कह सकते हैं अपने, एक है समुन्दर, ठीक है समुन्दर। अब देखो ये समुन्दर है, ये सारा क्या है, समुन्दर है, ये समुन्दर है, और ये समुन्दर के अंदर ये क्या है, एक द्वीप है, ये एक द्वीप है, और इस द्वीप से कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर मतलब मान लीजिए ये इतनी दूरी है, और इस दूरी पर यहां पर ये प्रवाल भित्ति बनी हुई है। ये क्या बनी हुई है, प्रवाल भित्ति बनी हुई है। तो ये प्रवाल भित्ति कैसी है, रोदी प्रवाल भित्ति है। कैसी प्रवाल भित्ति है, रोदी प्रवाल भित्ति है, जो समुन्द्र की ओर से आने वाली धाराओं की से द्वीप को बचाती है। और इसके बीच में जो ये मार्ग बन रहा है, ये मार्ग ये बीच में द्वीप के और इस प्रवाल भित्ति के बीच का जो मार्ग बन रहा है उसको लैगून कहा जाता है। इन शब्दों को क्लियर कर लीजिए, अपने आप जो है आपको परिभाषाएं लिखनी आ जाएगी। तो बीच में जो मार्ग बन रहा है वो क्या है, लैगून है। तो अब हम इसकी बात करेंगे कि बैरियर जो प्रवाल भित्ति है वो द्वीप से कुछ दूरी पर बनती है। यहां मैं ग्रेट बैरियर रीफ की बात करूं तो वो 144 मीटर, जो 144 किलोमीटर की दूरी पर बनती है, यानी कि द्वीप से 144 किलोमीटर की दूरी पर बनती है, ठीक है ना। तो लिखिए इस बात को, ग्रेट बैरियर रीफ 2000 किलोमीटर तक फैली हुई है और तट से लगभग 144 किलोमीटर दूर बनी हुई है, और तट से लगभग 144 किलोमीटर दूर बनी हुई है। किलोमीटर दूर बनी हुई, यानी कि सीधी सी बात है कि बैरियर कोरल रीफ्स वो कोरल रीफ्स होती है जो तट को या फिर कह सकते हैं अपने लैंडमार्क को, जहां पर जो रहने का स्थान बना हुआ है, ठीक है, लैंडमार्क को प्रोटेक्ट करती है। लैंडमार्क को प्रोटेक्ट करती है किससे, समुद्री धाराओं से। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, बैरियर कोरल रीफ्स कहा जाता है। समुद्री धाराओं से प्रोटेक्ट करती है किसको, लैंडमार्क को, द्वीप को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। रिपीट करना मैं, अच्छा अभी रिपीट करती हूँ, कहाँ से रिपीट करना बताओ मेरे को। हाँ रिपीट करती हूँ, देखिए बैरियर रीफ्स जो है, बैरियर प्रवाल भित्ति या जिसको रोदी प्रवाल भित्ति कहा जाता है, वो द्वीप, ये मान लीजिए द्वीप है, ठीक है, इस द्वीप को प्रोटेक्ट करती है समुद्र की धाराओं से। इस द्वीप से यहां बन गई ये समुद्र है, ठीक है, इसके बीच में भी समुद्र है, और यहां ये क्या बन गई, बैरियर रीफ बन गई, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, यहां से जो समुद्र की धारा आ रही है उससे इस द्वीप को बचाती है। बीच में तो पानी इतना धाराओं वाला नहीं है, इस पानी को, इस मार्ग को कहा जाता है लैगून, और ये इतना चौड़ा होता है कि इस पर जलयान चल सकते हैं, क्या चल सकते हैं, जलयान चल सकते हैं। और ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया की, वो 2000 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसका लैगून जो है वो 144 किलोमीटर का चौड़ा है। चलिए नेक्स्ट बात लिखिए फिर आप, एटोल प्रवाल भित्ति, अगली हेडिंग लगाइए एटोल प्रवाल भित्ति, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए
एटोल प्रवाल भित्ति, तीसरी हेडिंग। एटोल प्रवाल भित्ति एटोल प्रवाल भित्ति एटोल प्रवाल भित्ति लिखे। इसे इसे लेगून द्वीप भी कहा जाता है। इसे लेगून द्वीप भी कहा जाता है। एटोल प्रवाल भित्ति को लेगून द्वीप भी कहा जाता है। ये कैसे बनती है देखिए, ये सारा समुद्र है, ये क्या है समुद्र है, और इसके बीच में अगर एटोल प्रवाल भित्ति बनेगी ना, वो ऐसे बनेगी, ये घोड़े की नाल की आकृति की बनती है, ठीक है, ऐसे बीच बीच में इसमें कटाव रहते हैं। ये प्रवाल भित्ति जो होती है वो क्या होती है, एटोल होती है, ऐसे, ठीक है। इसे लेगून द्वीप भी कहा जाता है, और यह है घोड़े के नाल के आकार की, यह है घोड़े के नाल के आकार की, यह है घोड़े के नाल के आकार की होती है, जो समुद्री जल को घेरे रहती है, जो समुद्री जल को घेरे रहती है, ठीक है। इस प्रकार से बनती है, यहां पर एटोल बन गया, ये एटोल बन गया, बीच में इसमें क्या रहते हैं, कटाव रहते हैं, ठीक है, इस प्रकार की होती है, जो समुद्री जल को घेरे रहती है। नेक्स्ट लिखिए, यह एक लैगून के चारों ओर पाई जाती है। लैगून क्या होता है, लैगून होता है द्वीप और प्रवाल भित्ति, द्वीप और प्रवाल भित्ति के बीच का जलीय मार्ग, लैगून और प्रवाल भित्ति के बीच का जो जलीय मार्ग, द्वीप और प्रवाल भित्ति, द्वीप और प्रवाल भित्ति के बीच का जलीय मार्ग लैगून कहलाता है। प्रवाल भित्ति और द्वीप के बीच का जलीय मार्ग क्या कहलाता है, लैगून कहलाता है। तो अब नेक्स्ट बात इसमें क्या लगोगे, यह प्रवाल भित्ति लैगून के चारों ओर बनती है, यह प्रवाल भित्ति लैगून के चारों ओर बनती है, यह प्रवाल भित्ति बीच बीच में से टूटी हुई पाई जाती है, तभी तो घोड़े के नाल की आकृति की होती है। यह प्रवाल भित्ति बीच बीच में से टूटी हुई पाई जाती है, कटाव पाए जाते हैं इसमें। यह प्रवाल भित्ति बीच बीच में से टूटी हुई पाई जाती है, बीच बीच में से टूटी हुई पाई जाती है। नेक्स्ट लिख लो, अगली बात लिखना, इसके लैगून का क्षेत्र 65 से 90 किलोमीटर तक हो सकता है। इसके लैगून का क्षेत्र 65 से 90 किलोमीटर तक का हो सकता है। इसके लैगून का क्षेत्र 65 से 90 किलोमीटर तक का हो सकता है। पैंसठ से 90 किलोमीटर तक का हो सकता है। जैसे बैरियर रीफ जो थी वो ग्रेट बैरियर रीफ सर्वाधिक प्रसिद्ध थी, उसी प्रकार जो एटोल है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है बिकनी तथा तारवा की, बिकनी व तारवा की एटोल सर्वाधिक प्रसिद्ध है, बिकनी तथा तारवा की एटोल सर्वाधिक प्रसिद्ध है, लिख लीजिए, बिकनी तथा तारवा की एटोल सर्वाधिक प्रसिद्ध है।
सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो एक बार रिपीट कर देती हूं, दोबारा सुन लीजिए। जो प्रवाल भित्ति है वो तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। नंबर एक झालरदार या फ्रिंजिंग झालरदार, ये क्या करती है, द्वीप के तट पर बनती है, द्वीप के तट पर बनती है, यानी कि सिलेंट्रेटा के जीव किनारों पर, द्वीप के किनारों पर एक टीला या ढेर या चट्टान बना लेते हैं, तो उसको झालरदार प्रवाल भित्ति कहते हैं। दूसरी बात करूं मैं रोधी प्रवाल भित्ति, रोधी की बात करूं तो वो क्या होती है, वो जैसे द्वीप है, रोधी प्रवाल भित्ति द्वीप से कुछ दूरी पर लैगून बनाकर, ये लैगून हो गया द्वीप के चारों, और ये यहां बनती है, यानी कि द्वीप से कुछ दूरी पर बनती है, वो क्या होती है, रोधी प्रवाल भित्ति होती है। तीसरी प्रवाल भित्ति की बात करूं मैं, है वो है एटोल। एटोल क्या करती है, ये लैगून हो गया बीच में, एटोल प्रवाल भित्ति ये बीच में क्या हो गया, लैगून हो गया, उसके चारों ओर घोड़े के नाल के आकार की बनती है। ठीक है, इस प्रकार बीच में इसमें कटाव पाए जाते हैं, और घोड़े के नाल के आकार की जो बनती है वो कौन सी होती है, एटोल प्रवाल भित्ति होती है। बिकनी तथा तारवा की एटोल प्रवाल भित्ति सर्वाधिक प्रसिद्ध है, और ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी रोधी प्रवाल भित्ति है। ठीक है, चलिए आगे फिर लिखिए, हेडिंग लगाइए प्रवाल भित्ति के बेनिफिट, क्या बेनिफिट है, क्या आवश्यकताएं हैं प्रवाल भित्ति की, क्या बेनिफिट है, बेनिफिट प्रवाल भित्ति क्या बेनिफिट है। देखिए बेनिफिट ये है कि इसको कहा जाता है समुद्र का वर्षा बल। देखिए प्रवाल भित्ति को समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है, प्रवाल भित्ति को समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है, प्रवाल भित्ति को समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, देखो देखिए ये क्या करता है, एक मार्क बनाता है, एक जगह बनाता है, एक लैंडमार्क बनाता है, एक स्थान बनाता है, जिस पर क्या है एक बड़ी मात्रा में इकोसिस्टम बन जाता है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र व्यवस्थित हो जाता है, एक बड़ी मात्रा में इसमें क्या बन जाता है, इकोसिस्टम बन जाता है, यानी कि बहुत सारे जीवों को ये क्या देते हैं, घर देते हैं, रेजिडेंस देते हैं रहने के लिए, तो इस कारण इसको क्या कहते हैं, जैसे बहुत सारी वर्षा होगी तो बहुत सारे पेड़ पनपेंगे ना, उसी प्रकार समुद्र में अगर मान लीजिए कोई प्रवाल भित्ति बनती है तो उसपे असंख्य जीवों का पनपना शुरू हो जाएगा, यानी कि एक इकोसिस्टम बनना शुरू हो जाएगा। तो इसे समुद्र का, लिख लीजिए इसे समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है, क्योंकि यह एक बड़ा आवास प्रदान करते हैं, क्योंकि यह एक बड़ा आवास प्रदान करते हैं, क्योंकि यह एक बड़ा आवास प्रदान करते हैं जहां पर, बड़ा आवास प्रदान करते हैं जहां पर एक इकोसिस्टम निर्मित होता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित होता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित होता है। नेक्स्ट, अगर पारिस्थितिकी तंत्र बना है तो जीवों में क्या आएगी, विविधता आएगी, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे हम अलग हैं और जहां वो जीव रह रहे हैं वो एक नई जीव विविधता लेकर आएंगे। ठीक है ना, तो लिख लीजिए ये एक जीव विविधता का कारण बनते हैं, कोरल रीफ्स प्रवाल भित्ति जो है वो जीव विविधता का कारण बनते हैं, बायोडाइवर्सिटी का रीजन बनते हैं, जीव विविधता का कारण बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे, देखिए कई नियम और कई सिद्धांत दिए गए हैं प्रवाल भित्तियों के बनने से संबंधित, तो अगली हेडिंग लगाओगे प्रवाल भित्तियों के बनने के सिद्धांत।
प्रवाल वृत्तियों के बनने के सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत है जो महत्वपूर्ण है? प्रवाल वृत्तियों के बनने के सिद्धांत और इसमें पहला सिद्धांत लिखिए स्ट्रसबरी का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है स्ट्रसबरी का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है स्ट्रसबरी का सिद्धांत। स्ट्रसबरी का सिद्धांत या इसको कहा जाता है ज्वालामुखी सिद्धांत। क्या इसको कहा जाता है ज्वालामुखी सिद्धांत? वोल्केनिक थ्योरी ऑफ स्ट्रसबरी लिखिए इस पे। ये क्या कहता है कि प्रवाल भित्ति जो होती है ना, ये कहता है प्रवाल भित्ति ज्वालामुखी के कारण बनती है। ज्वालामुखी जब फटती है तो उसके किनारों पर प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। तो लिखिए इस बात को, इस सिद्धांत को स्ट्रसबरी ने प्रतिपादित किया। यानी कि पहाड़ी क्षेत्र जल में डूब जाता है और फिर उसके किनारों पर ज्वालामुखी के कारण जो ज्वालामुखी किनारों पर जो बनता है, मान लीजिए ज्वालामुखी फट गई और पहाड़ सारे क्या हो गए, चट्टान जो है वो जलीय क्षेत्र में वहां डूब गई, और डूबने के बाद में उन किनारों पर अगर मान लीजिए कोई जीव पनपते हैं तो वो क्या है, प्रवाल भित्ति टाइप्स के हैं, तो वो प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। लेकिन इस बात को चलिए, यह सिद्धांत स्ट्रसबरी के द्वारा दिया गया। वेरी गुड आफ्टरनून। लिखे यह सिद्धांत स्ट्रसबरी के द्वारा दिया गया और इसके अनुसार ज्वालामुखी के जल में डूबने पर, इस सिद्धांत के अनुसार ज्वालामुखी के जल में डूबने, ज्वालामुखी के जल में डूबने पर लैगून बना, जल में डूबने से लैगून बना, लैगून मतलब मार्ग बना, डूबने से लैगून बना और पहाड़ी भागों पर, यानी पहाड़ी भाग जो जल में डूब गए और पहाड़ी भागों पर प्रवाल जीव निकल आए, पहाड़ी भागों पर प्रवाल जीव निकल आए जिन्होंने बाद में प्रवाल भित्तियों का निर्माण किया। प्रवाल जीव निकल आए जिन्होंने बाद में प्रवाल भित्तियों का निर्माण किया, जिन्होंने बाद में प्रवाल भित्तियों का निर्माण किया। बाद में प्रवाल भित्तियों का निर्माण किया, ठीक है। नेक्स्ट सिद्धांत लिखना डार्विन तथा डाना का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है डार्विन तथा डाना का सिद्धांत। डार्विन तथा डाना का सिद्धांत, अगला सिद्धांत है डार्विन तथा डाना का सिद्धांत। डार्विन तथा डाना का सिद्धांत, डार्विन तथा डाना का सिद्धांत। और लिखिए इसमें, यह सिद्धांत 1831 में डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। यह सिद्धांत 1831 में डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अब ये क्या कहता है, जैसे मान लीजिए समुद्र है और समुद्र में क्या है, द्वीप है, ये समुद्र है,
इस समुन्द्र के अंदर ये द्वीप है और इस द्वीप के किनारों पर मान लीजिए कोरल जीव पनपने शुरू हो गए और इस द्वीप के किनारों पर कोरल जीव पनपने शुरू हो गए द्वीप के किनारों पर।